नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस। इसमें बड़ा एक्शन लिया है। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया जाएगा और दिल्ली पुलिस विभव कुमार की रिमांड मांग सकती है। विभव कुमार पर ही स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे हुए हैं और अगर ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए। विभव कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक और वीडियो जो सामने आया जिसमें जो सुरक्षाकर्मी एक तरफ आप देख पा रहे हैं स्वाति मालीवाल को बाहर करते हुए, और एक तस्वीर जिसमें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है विभव कुमार पीए अरविंद केजरीवाल को। और अब बिलाईगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरा मामला सलीहा थाना इलाके के थरगांव का है और पूरी जो ये घटना है इसे अंजाम देने के बाद जो हत्यारा है उसने भी खुदकुशी कर ली है। बहुत पेचीदा ये मामला सलीहा थाना के थरगांव की ये घटना है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और बाद में जिस पर हत्या के आरोप थे यानी जो हत्यारा था उसने भी आत्महत्या कर ली। इधर इंदौर में नए नए बीजेपी में आयतित हुए नेता अक्षय कांति बम, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। अग्रिम जमानत पर फरियादी ने हाईकोर्ट में आपत्ति ली है, मतलब जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी पहले वो खारिज हो गई और फरियादी ने अदालत में आपत्ति भी दर्ज कराई है लिखित में। अब लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत ने 7 दिन का वक्त दिया। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। अदालत फटकार लगा चुकी है, पुलिस को कह चुकी है गिरफ्तार करके लाइए। उसी पुलिस को जो पुलिस अक्षय कांति बम के प्रोटेक्शन में उनके घर के बाहर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वास्तुदोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कार्टून और कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। नक्सल एनकाउंटर पर सवाल उठाने को लेकर यह तंज कसा गया है कार्टून के जरिए। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। वास्तुदोष नहीं, मस्तिष्क दोष। कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। और वास्तुदोष वाले बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का पोस्टर स्तरहीन है, बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह पराजित होने वाली है, ऐसी स्थिति में बौखलाना स्वाभाविक है। नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, वहां की जनता उठा रही है। पोस्टर स्तरहीन है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा।
कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त होने वाली है। यह दावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया है। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी कांग्रेस नेता ऐसा कहते हैं तो ये मस्तिष्क दोष की दिशा में संकेत करता है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है, इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत करता है। और अब महासमुंद से बड़ी खबर, पुलिस ने 5 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया है। 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, 2 अपहरणकर्ता दबोच लिए गए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर बच्चे को अगवा कर लिया गया था, घर के पास ही बच्चा खेल रहा था तभी से अगवा किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। कवर्धा में डायरिया का कहर, 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले हैं और गांव में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई है। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा गांव में कैंप लगाया है। सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकार को चूना लगाने का मामला सामने आया है। सनौधा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि कैसे सरकारी गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे भिगा रहे हैं। वेयर हाउस में गेहूं रखने से पहले उसे इसलिए भिगाया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। गेहूं को इस तरह से भिगाने से वो जल्द खराब हो जाएगा, सरकार को लाखों रुपए की चपत लगेगी। सो अलग गेहूं को भिगाने का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं और बात करने को, जवाबदेही दिखाने को कोई तैयार नहीं। प्रदेश सरकार के खाद्य और वेयर हाउस मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस बाबत जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, कार्रवाई की मांग की। गेहूँ में इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं। कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही है तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है वह चुपचाप होकर यह सब देख रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना ही एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ाई कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई। इधर इंदौर में नगर निगम घोटाले में मुख्य आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। निलंबित इंजीनियर अभय राठौर पर एक और केस दर्ज किया गया है। रिश्तेदार पर भी पानी चोरी के मामले में केस दर्ज हुआ है। लसूड़िया थाने में पानी चोरी का केस दर्ज करवाया गया। अभय राठौर के घर से अवैध व्यावसायिक नल कनेक्शन मिला था। निगम का पानी निजी टैंकरों के माध्यम से बेचा जा रहा था। खबर दुर्ग से, जहां पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया है। भिलाई की ग्रीन वैली का यह मामला है। लंबे अरसे से कॉलोनी में पानी की किल्लत है। कॉलोनी में टैंकरों को भी अंदर घुसने से रोका गया है। स्थायी रूप से समस्या का हल कॉलोनी वासी चाहते हैं। Thank you.
इधर सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर किया गया है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। टेटरई तोलाई के जंगल में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। इधर कोरबा में एक खदान कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की गई, गाड़ी के जरिए कुचलने की कोशिश की गई। सरायपाली खदान में वारदात हुई है। ठेका कंपनी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद मजदूर संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। एससीसीएल कोरबा जीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी इसे लेकर किया गया है। ठेका कंपनी पर गुंडागर्दी के आरोप। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में 25 मार्च होली के दिन भस्म आरती के दौरान हुए अग्निकांड की जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है। कलेक्टर की माने तो कुछ एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट आनी है और कुछ रिकमेंडेशन अभी बचे हुए हैं, वो जैसे ही पूरे हो जाते हैं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में होली के दिन हुए अग्निकांड में 14 लोग झुलस गए थे। इलाज के दौरान एक सेवादार की मौत भी हो गई थी। उस समय महाकाल मंदिर के तत्कालीन प्रशासक संदीप सोनी को हटा भी दिया गया था। द्वारा काफी कुछ जांच कर ली गई है, कुछ एक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स और कुछ एक रिकमेंडेशंस और बचे थे, वो पूर्ण होते ही इसको जल्द से जल्द प्रस्तुत कर दिया। जगदलपुर में रेत माफिया की दादागिरी सामने आई है। इंद्रावती नदी और भस्केली नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के किनारे खनन करने वाली मशीनें लगी हुई हैं। खास बात यह कि पंचायत की अनुमति के बिना ही रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। मुरुम खनन का या फिर रेत खनन की जो शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके संज्ञान में आपके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें संज्ञान में आते हैं उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते आए हैं। और इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार गर्मी का मौसम बगैर लू के ही गुजर सकता है। नौतपा के एक सप्ताह पहले रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की स्थितियां बन रही है। इस दौरान पारा ज्यादा नहीं बढ़ेगा ऐसा लगता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में बारिश सामान्य से 6% ज्यादा होगी। इधर बस्तर में बदला है मौसम। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गरज चमक के साथ बारिश हुई और पूरे बस्तर अंचल में अच्छी बारिश हुई है और इसके चलते तापमान में गिरावट आई है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। खितौली जोन के हवा महल कैंप के पास आराम फरमाते हुए एक बाघ का वीडियो आया है। इलाके में बाघ के देखे जाने के बाद वन विभाग ने कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि धूप और गर्मी से बचने के लिए बाघ ने कैंप में डेरा जमा लिया है। बाघ की उम्र करीब 10 महीने के आसपास की बताई जा रही है। अब चूंकि वन विभाग के कैंप में बाघ पहुंच गया है लिहाजा कर्मचारियों से कहा गया है सावधान रहें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।